हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को मैंने इंडिपेंडेंस डे वाले दिन 15 अगस्त को बताया था कि एक ऐसी प्रॉपर्टी मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ जो आपको पूरी तरीके से आज़ादी महसूस कराएगी, क्योंकि चौथे फ्लोर को बंद करने के बाद से आप सब लोगों में एक डर बैठा हुआ है कि ये दोबारा खुलेगा नहीं खुलेगा, या खुलेगा तो कहाँ कहाँ पर और किस किस लिमिटेशंस के साथ खुलेगा। लेकिन आज की मेरे पास जो प्रॉपर्टी है वो आपकी इन सारे शक चिंताओं को ख़त्म कर देती है, क्योंकि मैं उसमें आपको स्टिल्ट के साथ 4 फ्लोर बने हुए दे रहा हूँ। तो मैं आपको एक बार इस प्रॉपर्टी का एक छोटा सा टूर करा देता हूँ और फिर उसके बाद इस प्रॉपर्टी के बारे में हम डिटेल में आज के हमारे इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। जैसे कि प्रॉपर्टी टूर देख के आपको कुछ हद तक आइडिया हो गया होगा कि जिस प्रॉपर्टी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं हमारी वो प्रॉपर्टी क्या है और कैसी है। अब हम डिटेल में इस प्रॉपर्टी के बारे में कुछ जान लेते हैं ताकि आप सबके लिए इजी हो जाए अपना डिसीजन करना कि क्या ये आपके लिए सुटेबल है या नहीं है। तो मैं नरेश सिंह शेखावत आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया करके अगर अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी इस तरह की कोई लेटेस्ट प्रॉपर्टीज़ मैं आपके लिए लेके आऊँ तो आप तक तुरंत वो वीडियो हमारा पहुँच जाए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारी आज की प्रॉपर्टी की लोकेशन के बारे में। अगर लोकेशन की मैं बात करूं तो ये कौन से सेक्टर में है ये मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, और दूसरा इस आज की हमारी प्रॉपर्टी का रेट क्या रहने वाला है ये भी मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। हम सराउंडिंग्स की बात कर लेते हैं, कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं। हमारी ये जो प्रॉपर्टी है NH-8 से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। अब कुछ लोगों को इससे आइडिया मिल गया होगा कि NH-8 के ऊपर जो अच्छे सेक्टर्स हैं, जैसे सेक्टर 15 है, सेक्टर 31 है, सेक्टर 17 और सेक्टर 10 को भी कुछ हद तक अच्छा माना जाता है, वो भी काफ़ी लोगों की चॉइसिस हैं क्योंकि वहाँ पर रेट थोड़ा सा कम रहते हैं। तो NH-8 से हमारी ये जो प्रॉपर्टी है ये वॉकिंग डिस्टेंस पर रहेगी। दूसरी सबसे जो मेजर चीज़ है कि जो जिस सेक्टर में ये प्रॉपर्टी है उस सेक्टर की लोकल जो मार्केट है वहाँ से भी ये हमारी प्रॉपर्टी आपकी वॉकिंग डिस्टेंस पर रहेगी। तीसरी सबसे जो मेजर चीज़ है जो लोकेशन की मैं अगर बात करूँ तो हमारी ये प्रॉपर्टी गुड़गांव की एक बहुत ही प्रीमियम सेक्टर में है, जहाँ पर आपको बहुत अच्छी जेंट्री मिलती है, बहुत अच्छी मार्केट फैसिलिटीज़ आपको इस सेक्टर में मिलती हैं, और कनेक्टिविटी के मामले में तो इस सेक्टर का मुझे नहीं लगता कि कोई तोड़ है। अब इसके बाद जो है हम बात करते हैं इस प्रॉपर्टी की कॉन्फ़िगरेशन की। तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी है ये 263 गज के प्लॉट एरिया पर बनी हुई है, और इसमें आपको स्ट्रीट प्लस 4 फ्लोर बने हुए मिलते हैं। अभी 2 महीने पहले ही ये प्रॉपर्टी बनके तैयार हुई है और सभी फ्लोर्स पर इसमें 3 BHK बना हुआ है। तो ये थी कॉन्फ़िगरेशंस की बात। अब जो तीसरी सबसे जो मेन चीज़ आ जाती है वो आ जाती है कि इस प्रॉपर्टी के रेट क्या रहने वाले हैं, क्योंकि जैसे कि हम जाने जाते हैं आपके लिए वैल्यू डील्स के बारे में कि अगर वैल्यू फॉर मनी डील्स अगर चाहिए तो आप एनस्टे होम्स में आ सकते हैं। यहाँ पर आपको
उस रेट पर प्रॉपर्टीज हम अवेलेबल कराते हैं जो कि मार्केट में आपको कहीं पर भी नहीं मिलता। तो आज की ये हमारी प्रॉपर्टी भी आपके लिए वैल्यू फॉर मनी साबित होने वाली है। 263 गज में स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर बनी हुई प्रॉपर्टी कैसे मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। उसके लिए आपको मुझे 9119119605 पर या तो व्हाट्सएप मैसेज करना होगा या फिर आप इसी नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर सेक्टर 31 में ही हमारा ऑफिस है, प्लॉट नंबर 1318 पर, तो आप यहां पर भी विजिट करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो अब जैसे कि मैंने इस प्रॉपर्टी की लगभग सभी डिटेल्स जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और आगे भी इस तरह की वैल्यू फॉर मनी डील्स जो हैं वो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तुरंत आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है मिल जाए और कोई भी अच्छी डील आपसे मिस ना हो। आज के हमारे वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टाइम फिर से अच्छी डील लेके मैं आप सब लोगों के लिए आऊँगा। Thank you so much.